नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया पर आज तारीख 30 अप्रैल 2020 को बनने वाले सभी करंट अफेयर्स इस प्रकार से पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से पहले दोस्तों बता दें, आज का हमारा मुख्य टॉपिक होगा G20, जिस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम कुल 11 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे तथा उनसे बनने वाले सभी फैक्ट पढ़ेंगे। जैसा कि कल के हमारी क्विज का पहला क्वेश्चन था, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह प्रत्येक साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के अंदर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? वह राज्य असम है। नेक्स्ट, आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को आधुनिक बैले के जनक कहे जाने वाले जीन जॉर्जेस नोवरे 1727 से 1810 की जयंती की याद में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 से हुई थी। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया था। यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है यूनेस्को। बता दें, यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। वर्तमान में यूनेस्को में सदस्य देशों की संख्या 195 है। 195वां सदस्य देश फिलीपींस है, जो कि 2011 में बना था। यूनेस्को में 7 सहयोगी सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। भारत यूनेस्को का सदस्य देश 1946 में बना था। नेक्स्ट, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया, वे किस बीमारी से पीड़ित थे? वह न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। बता दें दोस्तों, साल 2018 में इरफान खान को पता चला था कि वह न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान खान लंदन भी गए थे और करीब साल भर इलाज कराने के बाद वह भारत वापस लौटे थे। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर में हुआ था, जबकि 29 अप्रैल 2020 को मुंबई में इनका निधन हो गया एंडोक्राइन ट्यूमर बीमारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की है? वह राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश बता दें, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है तथा आगामी राजधानी अमरावती है। अमरावती को देश का 25वां हाईकोर्ट बनाया गया है। आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष नीम है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो तेलुगु भाषी राज्य है। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसकी राजधानी कर्नूल थी। आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसकी 3 राजधानी होंगी, जिसमें से विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, जबकि अमरावती को विधायी राजधानी, कर्नूल को न्यायी राजधानी बनाया जा रहा है। इसका बिल विधानसभा में पारित हो चुका है, अब इसको विधान परिषद में पारित करना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब बात आई है जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जो कि आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की है। आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगन मोहन रेड्डी ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति महाविद्यालयों के खातों के बजाय
विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डाली जाएगी। जगन्नाथ विद्या दिव्यन्ना योजना के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को 15,000 से 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह मैप में दिखाई देने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। यहाँ के गवर्नर बिश्वभूषण हरिश्चंदन हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल अलगवादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा? वह देश यमन है। यमन, यह दिखाई देने वाला यमन का मैप है। यमन जिसकी राजधानी सुन्ना है तथा इसकी मुद्रा यमनी रियाल है। सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रमुख समूह में से एक है, जो हुती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिकों ने बेरबेरिन से अल्जाइमर अवरोधक दवा विकसित किया है? वह JNCASR संस्था के वैज्ञानिकों ने किया है। अल्जाइमर एक मस्तिष्क रोग है जिसमें भूलने की आदत होती है। बता दें कि यह जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बेंगलोर में है, उसने अल्जाइमर भूलने का रोग जैसी दवा विकसित की है। हाल ही में किसकी मेजबानी में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां स्तर आयोजित हुआ है? वह देश जर्मनी है, जिसकी मेजबानी में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां स्तर आयोजित हुआ है। इस संवाद की मेजबानी जर्मनी ने की तथा इसके सह अध्यक्षता ब्रिटेन द्वारा की गई थी। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां स्तर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें भाग लिया। हाल ही में G20 समूह ने किस देश की अध्यक्षता में एक नई पहल एक्सेस टू COVID-19 टूल्स एक्सीलेटर लॉन्च किया है? वह देश सऊदी अरब है। यहां पर दोस्तों एक ट्रम आई है G20। बता दें कि G20 की स्थापना 20 अगस्त 2008 को हुई थी। इसका मुख्यालय मैक्सिको शहर कनकुन में है। इसके सदस्य देश 20 हैं, जिसमें 19 सदस्य देश प्लस एक यूरोपियन संघ है। G20 जिसकी पहली बैठक 2008 में USA में हुई थी तथा G20 की 2020 में बैठक सऊदी अरब में व G20 में 2018 से 2022 तक होने वाली सभी बैठकें इस प्रकार से हैं। जैसा कि दोस्तों एक्सेस टू COVID-19 टूल एक्सीलेटर पहल COVID-19 उपचार एवं वैक्सीन तैयार करने के लिए निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगी। 2018 से 2022 तक होने वाले G20 का सम्मेलन स्थान 13वीं बैठक 2018 में व्यूनर्स आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी में हुई, जबकि 14वीं बैठक 2019 में ओसाका जापान में हुई थी। अभी वर्तमान में 15वीं बैठक 2020 में रियाद सऊदी अरब में है। 16वीं बैठक 2021 में इटली में तथा 2022 में भारत में प्रस्तावित होगी। बता दें 2022 में भारत की स्वतंत्रता का 75 वर्ष की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह बैठक आयोजित होगी। 2018 से 22 तक होने वाले G20 सम्मेलन की एक आसान ट्रिक जो इस प्रकार से है, आजा साहिबा, आ से अर्जेंटीना, जा से जापान, सा से सऊदी अरब, ई से इटली व भा से भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस देश को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए $1.5 बिलियन ऋण देने को मंजूरी दी है? वह देश भारत है जिसको एडीबी ने $1.5 बिलियन ऋण देने को मंजूरी दी है। बता दें एडीबी जिसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है तथा इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। वह 1967 को इसने काम शुरू किया। इस लोन का इस्तेमाल संक्रमण पर काबू पाने, इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, इसके प्रेसिडेंट मास्तेस्कु असकावा हैं। इसमें सदस्य देश कुल 68 देश हैं जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? मैक्सिको ने 29% हिस्सेदारी अतिरिक्त खरीदने का फैसला। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके एमडी तथा सीईओ प्रशांत त्रिपाठी हैं। यह सौदा करीब 1592 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि का होगा। एक्सिस बैंक जिसके सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्सिस बैंक की टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। इसके स्थापना 3 दिसंबर 1993 अहमदाबाद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को आवास और शहरी विकास निगम का अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? वह शिवदास मीणा है जिसे आवास और शहरी विकास निगम का अध्यक्ष प्रबंध नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिवरपूल एफसी के पुरुष स्ट्राइकर माइकल रोबसन का निधन हो गया, उनका जन्म किस देश में हुआ था? उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। धन्यवाद दोस्तों, आज के क्विज क्वेश्चन जो इस प्रकार से हैं, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अब आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, COVID-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद दोस्तों।